चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर हम बातचीत करेंगे आज आपसे सीटेट एनवायरनमेंट में के भोजन वाले सेगमेंट में कुछ प्रमुख बीमारियों पर। इस प्रमुख बीमारियों के क्रम में हम सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि आखिरकार हम बीमार क्यों पड़ते हैं या वो क्या कारण है कि हमें बीमारियाँ होती हैं, और इस क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे कि खराब या यहाँ पे दूषित खाना खान लेने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। अगर हम दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा गंदे वातावरण या गंदे पर्यावरण में रहने पर जहां पर विभिन्न प्रकार के कीटाणु जीवाणु रहते हैं उससे भी हमें होती, तथा जीव जंतुओं अगर यदि काट लेते हैं तो उनके लार के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसी यहाँ पे कीटाणु जीवाणु पहुँच जाते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करके हमें बीमार कर देते। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें जीवाणु की, जिन्हें हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जीवाणु की हम बात करेंगे तो जीवाणु क्या होते हैं, ये एक कोशिकी जीव होते हैं या इनके अंदर एक कोशिका वाले जीव होते हैं, और इनकी संरचना इतनी सूक्ष्म होती है कि इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये जल थल वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये अलग अलग और समूह दोनों में रहते हैं, अर्थात ये समूहों में भी रहते हैं और ये व्यक्तिगत रूप से अलग अलग भी रहते हैं। अगर आगे हम बात करें कि ये गर्म जल और बर्फ दोनों में सुरक्षित रहते हैं, अर्थात ये निम्नतम तापमान और उच्चतम तापमान दोनों में अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। यहाँ पे आगे क्रम पे बात करेंगे कि इसका अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं, तो यहाँ पे हम जीवाणुओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा करते हैं और इसके मापन की जो इकाई है वो माइक्रान होती है। आगे बात करेंगे कि इस जीवाणु से हमें कौन कौन सा रोग होता है, तो प्रमुख रोगों में काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक कोड जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, टिटनेस, टाइफाइड जिसे आंत्र ज्वर के नाम से भी जानते हैं, तथा हैजा है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट बीमारी के बारे में तो ध्यान देंगे विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियाँ, और विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियों के क्रम में सबसे पहला कि विषाणु किसे कहते हैं, तो विष के अणुओं को हम विषाणु के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि इसमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता। यहाँ पे आपने देखा था कि ये एक कोशिकीय होते हैं और यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि इनमें कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इनका मापन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, और नेक्स्ट कह रहा है कि इन पर उच्च व निम्न तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे कौन कौन से रोग होते हैं, तो ध्यान देंगे कि पीलिया, छोटी माता, चेचक और एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, बुखार और चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि रेबीज हमें कैसे फैलता है, तो रेबीज यहाँ जानवरों के काटने से फैलता है। जानवरों में जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, घोड़ा हो गया, ये ऐसे जानवर जिनके काटने से, जिनके लार में रेबीज नामक एंजाइम पाया जाता है और इससे ये हमें होता है। नेक्स्ट बात करें कि डेंगू और चिकनगुनिया ये जो दोनों रोग होते हैं ये हमें एडीज नामक मच्छर के काटने से होते हैं जो हमारे शरीर के ब्लड को जाकर के दूषित कर देता है और हमें यहाँ पे बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, और इस क्रम में ध्यान देंगे कि पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सभी प्रमुख रूप से हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे कवक से होने वाले रोग में, तो गंजापन, दमा, दाद, खास और एथलीट फ्रूट इत्यादि की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे एक आता है हमारा आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है और ये आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री जीव के खाने से इसकी पूर्ति हमारे शरीर में होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो यहाँ देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत कमज़ोर हो जाते हैं और ये दूध, अंडा, सेब और हरी पत्तेदार सब्जियों से हमारे शरीर में इसकी पूर्ति होती है। हम अगर यहाँ पे एक और बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान की,
तो ध्यान देंगे कि आपका आपके तात्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती के अवसर पर, कब? गांधी जयंती के अवसर पर इन्होंने, और कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती, गांधी जी की 150वीं जयंती पर इन्होंने वर्ष 2014 और इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया? स्वच्छ भारत अभियान को चालू किया, और जिसका उद्देश्य था कि वातावरण, परिवेश को, मानव को स्वच्छ बनाना, जिसका नारा था ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। इस आधार पर हमने आज आपसे कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में चर्चा किया जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। हम यहाँ पे सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।